वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग नवदीप की बीमारी पर सियासत ना करे और वापसी की गारंटी का बंदोबस्त करे। आज नवाज शरीफ को बगैर शर्त जाने देंगे तो कल आसफ सरदार और खुर्शीद शाह समेत दीगर मुल्जमान भी कहेंगे कि बगैर शर्त बिरौने मुल्क जाने दें। JUI का प्लान बी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए चमन शाहरा बंद कर दी। चमन शाहरा की बंदिश से सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फंस गईं, जिसके बायस मुसाफरों को मुश्किलात का सामना। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत नवाज शरीफ की फौरी इलाज में रुकावट न बने। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कानूनी तकाजे पहले ही पूरे हो चुके हैं। हुकूमत को नवाज शरीफ की सेहत को लाहक संगीन खतरात का कतन एहसास नहीं। चिनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल में रेस्क्यू 1122 ने असिस्टेंट कमिश्नर असद अली और प्रिंसिपल की मौजूदगी में वर्कशॉप का इनेकाद किया। रेस्क्यू सब इंस्पेक्टर जमशेद अहमद ने जिंदगी को कैसे बचाना है के अनवान से बच्चों को लेक्चर दिया। प्रिंसिपल चिनाब कॉलेज ने असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू की टीम का शुक्रिया अदा किया। पसरूर DC सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर की खसूसी हिदायत पर फेयर प्राइस मजिस्ट्रेट तहसीलदार पसरूर वसीम संधू की ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। महंगे दामों सब्जियां और खुर्दनोश की अशिया फरोख्त करने वाले दर्जनों दुकानदारों को मौका पर ही हजारों रुपए जुर्माना। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने के साथ मुकदमात के अंदराज के भी अहकाम जारी। पसरूर थाना सब्जपीर के नवाही गांव चाका राइया में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल टीचर ने मामूली रंजिश पर साथी टीचर को जहर देकर मार दिया। मुलजमा किरण और मकतूला फरजाना कोसर एक ही स्कूल में मुलाजमत करती थी। मुलजमा किरण ने फरजाना को जहर मिली चाय पिला दी। इत्तला मिलने पर लवाहिकीन स्कूल पहुँचे और अस्पताल मुंतकिल की, लेकिन जहर की शिद्दत से वो जान पर न हो सकी और जिंदगी की बाजी हार गयी। पुलिस थाना सब्जपीर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सादकाबाद फैज कॉलोनी में कुत्ते ने 4 साल बच्चे को काट लिया। जख्मी बच्चे को सिविल अस्पताल से आधा घंटा बाद वैक्सीन लगाई गई। फैज कॉलोनी इतफाक टाउन बिस्मिल्ला टाउन में कुत्तों की बहतात, शहरी खौफ में मुब्तला। वालदैन का कहना है कि आवारा कुत्तों की वजह से हमारे बच्चे बाहर गली में खेल नहीं सकते।